Assalamualaikum प्यारे सिस्टर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रूसिया डी लक्सी 2018। नहीं नहीं सिस्टर, ये इस सूट का नाम नहीं है, ये कलेक्शन का नाम है। इस सूट का नाम जो है वो है MTL05 नंबर, ठीक है। प्रिस्का इस सूट का नाम है और ये मुश्क की कलेक्शन का बहुत ही खूबसूरत सा सूट है जो कि आज मैं आपको आज शो करने लगी हूँ, इसकी अनपैकिंग अनबॉक्सिंग। जी हाँ सिस्टर, मेरे साथ इसका मुश्क का जो है वो खूबसूरत सा डब्बा भी यहाँ पे मौजूद है और इसकी अनपैकिंग अनबॉक्सिंग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा पिस्टेचू कलर का जो इसका डब्बा है, उससे इसका जो सूट है वो बाहर आ रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह सिस्टर, मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ यहाँ पर कि ये सारे जो सूट्स होते हैं ये 100% प्योर ओरिजिनल सूट्स होते हैं, इसमें कोई भी रिप्लिका शामिल नहीं होते, आप लोग देख सकते हैं। चलें सबसे पहले सिस्टर्स यहाँ पर हम जो है आपको शो करने लगी हूँ मैं इसका खूबसूरत सा ट्राउज़र। इसका जो ट्राउज़र है सिस्टर वो थोड़ा सा, जी हाँ, जामवा ट्राउज़र है यहाँ पर, ये बिल्कुल जी हाँ, ये देखिए खूबसूरत सा ट्राउज़र है ये। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा है इसके साथ। और इसके जो, लेकिन जो जामा का कपड़ा होता है सिस्टर, जैसे कि आप लोग जो लेती रहती होंगी उनको ये बात बहुत अच्छी तरह बताओगी कि जामावर में जो होता है वो कड़कपना आता है। ये देखिए खूब, ये जो कड़कपन आ रहा है इसके अंदर, जो लाइनिंग्स आ रही हैं और जो इसके अंदर जो ये खूबसूरत सी ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है, ये डिज़ाइनिंग तो वाकई में बहुत अच्छी होती है, जामावर की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन जामावर का कपड़ा जो होता है वो पीछे से भी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये है इसका बैक व्यू और जो पीछे से इसका व्यू है वो थोड़ा सा जो होता है वो लगता तो नहीं है कि जामावर बहुत अच्छी क्वालिटी की जामावर ली है, लेकिन ये फिर खड़ी रहेगी। जैसे कि आप देख रही हैं इस तस्वीर में कि इसकी मॉडल ने जो ट्राउज़र पहना हुआ है वो भी बिल्कुल खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ जो है बिल्कुल इसी तरह से खड़ी रहेगी। अच्छा, इसका ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल प्लेन है, इसके अंदर कोई भी चीज़। तो अब सिस्टर्स मैं आपके सामने दिखाती हूँ इसकी जो लाइनिंग है, जी हाँ, जो शर्ट के अंदर लाइनिंग लगेगी वो यहाँ पे मैं आपको जो है वो शो करने लगी हूँ। ये देखिए ये ग्रे कलर का, लाइटिश सा ग्रेइश कलर जो है वो यहाँ पे अंडरलाइन ग्रिप के लिए जो है, सॉरी अंडरलाइन ग्रिप कपड़ा जो होता है उसके लिए जो है जो दिया हुआ है यहाँ पर। और ये देखें कितना खूबसूरत सा ये कट आ रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा सा, कितना फैंसी सा ये राउंड जो हमारा घूमता है हमेशा से वो आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा ये राउंड जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। और इसके अंदर, इसके ऊपर जो है, जी हाँ सिस्टर, अंडर ग्रिप का कपड़ा जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। यहाँ से अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पर ये इस पर बिल्कुल भी असर अंदाज नहीं हुआ है। अच्छा, अब जो है इसकी जो शर्ट है वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। शर्ट जैसे मेरे हाथ में आ रही है सिस्टर, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड पीस जो है वो यहाँ पे इन्होंने बना के दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ये खूबसूरत सा पीस है। जी हाँ, जितना बुरा इनका ट्राउज़र है लेकिन उससे ही ज़्यादा अच्छी इसकी शर्ट जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। नेट का कपड़ा है और नेट के कपड़े के ऊपर जो है हमें बहुत ही खूबसूरत सा ये सीक्वेंस जो है वो भी नज़र आ रहा है इस शर्ट के ऊपर। ये देखिए ग्रे कलर का जरी सीक्वेंस जो है हमें नज़र आ रहा है, ग्रे कलर की ही डोरी वर्क जो है हमें, जरी का जो वर्क है वो भी हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन, तीन कलर कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, एक बेज कलर है, एक ग्रीन कलर है, एक लाइट ब्लू कलर है। और साथ ही साथ में यहाँ पर सिस्टर्स आप लोग देख सकते हैं जो इसका गला आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह इसका जो गला है वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा है। बीच का जो गले की पट्टी आ रही है वो बेज कलर की जो है, बहुत ही खूबसूरत सी बेज एंड, हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी बेज एंड जरी जो है, सिल्वर जरी से उससे काम किया गया है। इसके अलावा पूरे गले को, जी हाँ, जिग जैग करके जो है बहुत ही खूबसूरत से पर्ल्स के साथ और नगों के साथ जो है इसको सजाया गया है। प्लस इस जो एम्ब्रॉयडरी सारी हुई हुई है पर्ल्स की ही, उसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पे गोरा दबके का काम जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से एक बीट को घुमा करके इसको गोरा दबके से फैंसी वर्क से जो है वो कवर किया गया है, इसीलिए ये सूट जो है वो इतना महंगा हमें मुश्क वालों ने
की तरफ से मिला है। तो यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शर्ट जो है वो जब सिलेगी तो बिल्कुल सिस्टर फैंसी लुक देगी वो आपको, और आप इसमें इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगेंगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जो जिनको पार्टी वेयर चाहिए होते हैं सिस्टर, तो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। जी हाँ, जिस तरह से हमने मेरी पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि एम्ब्रॉयडर्ड के जो सूट्स थे उसके ऊपर जो जरी सीक्वेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो एक के ऊपर एक पलटी हुई थी, एक के ऊपर एक मतलब लगी हुई थी। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को फोकस करके जो है यहाँ पर जो जरी सीक्वेंस लगाई गई है वो एक के ऊपर एक जो है वो पलटी हुई है, और बोल्ड बोल्ड जरी सीक्वेंस जो है जिससे कि वो 3D इफेक्ट शो करे वो यहाँ पे जो है वो बना करके इसको कंप्लीट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत से नग लगे हुए हैं इसके, और हर एक नग जो है सिस्टर मैं आपको दिखा सकती हूँ टच करके भी कि ये बहुत ही प्यारे तरीके से असेंबल हुए हुए हैं कि ये बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं। अब जो है मैं आपके सामने सिस्टर इसका अगला पीस यानी कि इसका बैक पीस जो है वो मैं आपको बिछाने जा रही हूँ यहाँ पे। लेकिन इसकी जो शर्ट है वो बड़ी आराम से मैं नीचे रख दूँ क्योंकि इतना प्यारा सा काम जो इसमें बना हुआ है वो कहीं ख़राब ना हो जाए। ठीक है सिस्टर, यहाँ पे ये देखिए ये है इसका खूबसूरत सा बैक पीस जो है सिस्टर वो भी बिल्कुल फ्रंट के जैसे नेट के ऊपर बना हुआ है। और इस बैक पीस के अंदर सिस्टर आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा जाल, बहुत बड़ा सा जाल जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर भी सिस्टर वही चीज़ जो एम्ब्रॉयडर के सूटों में हम देखी थी कि सीक्वेंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर उभर के आ रहा है जो कि 3D फ्लावर का जो सीक्वेंस है वो शो कर रहा है, 3D फ्लावर को ऐसा बना हुआ है जैसे कि 3D फ्लावर बना हुआ है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर भी जो है वही ग्रे कलर की जरी से काम करके उसके ऊपर ही ग्लिटर सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे अप्लाई की गई है। अब जो है सिस्टर मैं आपके सामने जो है इसकी सीक्वेंस की जो भरी हुई खूबसूरत सी जो स्लीव्स हैं वो यहाँ पे शो करने लगी हूँ। सारी सी स्लीव्स यहाँ पे भरी हुई हैं, नेट के ऊपर ही हैं, और यहाँ पे सिस्टर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि पूरी जो स्लीव्स हैं वो फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड हैं। जी हाँ, फुल टाइम एम्ब्रॉयडर्ड यहाँ पे स्लीव जो हैं वो लगाई गई हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है सिस्टर जी हाँ तिल्ले का काम जो है वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत ही बारीक सा तिल्ले का काम यहाँ पे नज़र आ रहा है। जी हाँ, और सीक्वेंस जो है जरी सीक्वेंस वो भी लगाया गया है। इसके अलावा फ्लावर्स एंड लीव्स का वो पैटर्न जो कि हमने इसके फ्रंट के ऊपर देखा था वो भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा ऐसा बंच बनाया हुआ है इसका। जी हाँ, ये देखिए पूरा इसका बंच बनाया हुआ है और बहुत ही फैंसी सा ये लुक जो है वो इस सूट के साथ जो है आप लोग पहन के हासिल कर सकती हैं। अच्छा, अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा, और ये लगेगा दुपट्टे का पैच। जी हाँ सिस्टर, दुपट्टा जो है वो भी इसका नेट का सूट है, तो बेसिकली ये पूरा सूट जो है वो एज अ नेट विथ जामावार जो है वो काउंट किया जाएगा। और इस नेट के दुपट्टे के ऊपर भी सिस्टर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा छोटे और बड़े यहाँ पे राउंड एंड राउंड बने हुए हैं। इसके अलावा इन राउंड एंड राउंड में जो है ये खूबसूरत सी जरी सीक्वेंस जो है ग्लिटर सीक्वेंस जो है वो इसके अंदर लगाई गई है सिल्वर कलर की ही। सिल्वर कलर का जो कलर आ रहा है कॉम्बिनेशन वो बहुत ही खूबसूरत सा है। तो सिस्टर यहाँ पर जो है मैं आपके सामने इस खूबसूरत से दुपट्टे का दो बंच जो है वो यहाँ पर, यहाँ पे जो है सिस्टर ये जो बंच है ये भी नेट के ऊपर फैब्रिक के ऊपर बना हुआ है। इसको भी साइडों से जो है वो पूरा का पूरा अप्लिक होगा इस दुपट्टे के दोनों साइड पे। और इसके अलावा इस बंच की अगर मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ पर भी सिस्टर 2 से 3 वर्किंग जो आ रही हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ। ग्रीन लीव जो बनाए हैं ग्रीन के साथ है वो गोल्डन जरी का इस्तेमाल किया गया है। साइड पे सारी की सारी जो है ये तिल्ले का काम करके जो है इसकी मोटी मोटी आउटलाइन जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा फ्लावर्स जो हैं वो जो है सिल्वर जरी से और लाइट ब्लू कलर जो है आसमानी कलर जो होता है उसको जो है इस्तेमाल करके इसके फ्लावर्स वगैरह बनाए गए हैं। तो बेसिकली सिस्टर्स ये बहुत ही खूबसूरत सा सूट है, जिसको जरी पसंद है जिसको ग्लिटर पसंद है तो वो ये सूट जरूर बाय करें। और मुझे उम्मीद है कि सिस्टर आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, साथ ही साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। थैंक यू सिस्टर्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। तो सिस्टर्स इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए या मुझसे कॉन्टेक्ट के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड करके दिया है,
कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो किसी भी सूट के बारे में, आप ज्वाइन लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके जरिए से आपको लेटेस्ट अपडेट वगैरह जरूर मिलेगी। सिस्टर्स, आप अपनी कीमती राय कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा, लाइक एंड शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में सिस्टर्स, आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को जरूर दबाइए, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस आराम से हासिल हो सके। शुक्रिया सिस्टर्स, लेकिन मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।